पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये दुख करनी ये दुख भरनी, दुख करनी ये दुख भरनी, श्रीमद चूर की आरती पापियों को पाप से हटाए। शांति सामा शांति रेधि हरि ओम ओम जगणे न जगणमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहना काम महिमान सशांत पूर्वे साध्य शांति देव हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रदंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवांति कामकुलचं पटपाटलाभ्ये पुण्डे गजामि गरधीररसारपुष्पे बिभ्रा प्रभालतुलसीजरमं दरेपि तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोपपानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्राणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गणा
सुतम शोक विनाशकारिकं श्रीनमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते यं प्रव्रजन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यम् पायनो विरह कातुर्याजुहा पुत्रेति तनुमेतया पर्वो विनिन्दुं तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमान तोस्मे जन्माधिश्यतो अनुभयादितरत अर्थस्य विज्ञेश्वर तेने ब्रह्म हिदाय कवयो मुह्यं कियसूरया तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशगो पुरुषावतारं तमालवर्णं सुहितावतारं अशेष संसार समुद्रसेतुं नमामहे भागवतं पुराणं ध्येयं सदा परिववन्नमवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यम् भ्रताटिः प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य
संतापहरणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन सर्वाधार, मेरी नाव पड़ी मझधार में, यार खींच लगाए देओ पार। की बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो भगवत कथा में बैठने को जी करता है, और मन में जब ये बात आती है कि आज भगवान की कथा सुनती हैं, तो परमात्मा हृदय में आके उसी समय विराजमान हो जाते हैं। भागवत का वाक्य है ये। श्री नंदनंदन भगवान मुरली मनोहर परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर दुभुष पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए उन्हीं का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी छत्र छाया में बैठ करके विगत 6 दिन से आनंद ले रहे थे और आज 7वें दिन में प्रवेश करते हैं। पता ही नहीं लगा कैसे 6 दिन गुजर गए और आज 7वां दिन आ गया। मंच पर आसीन श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, वेदों के मर्मज्ञ धर्मज्ञ विद्युत गण ब्राह्मण देवता, संगीत के परम मर्मज्ञ श्री विष्णुदास जी, संजीव कुमार एवं सभी संगीत के बहुत ही मर्मज्ञ परीक्षित के रूप में विराजमान श्री मंगत राय जी गर्ग, धर्मपत्नी श्रीमती सीता रानी और परीक्षित परिवार सारा। बड़े सौभाग्य की अहोभाग्य की बात है कि 7 दिन से इस पवित्र ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाते हुए 6 दिन कैसे व्यतीत हो गए कुछ नहीं पता लगा। आइए आज 7वें दिन का प्रारंभ करते हैं और वही गुनगुनाते हैं जो नित्य गुनगुनाते थे। अश्रुतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम, अश्रुतम केशवम Thank you.
अक्षतमति सब कृष्ण नामोदरम रामायणम जानकी दूर करने वाला पापों को समाप्त करने वाला है। गुनगुनाइए बड़े प्यार से।
नाम जपते रहो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम जानकी बिहारी लाल की जय। कान वही पवित्र हैं जिनमें परमात्मा की कथा समाती है, नेत्र वही पवित्र हैं जो भगवत दर्शन करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, रसना वही पवित्र है जो हरि को निगाती है, कर वही पवित्र हैं जो दान करते हैं, पैर वही पवित्र हैं जो तीर्थ स्थान में जाते हैं। कल अत्यंत आनंद आपने अनुभव किया भगवान के विवाह का, और विवाह का तो कहना ही क्या है, किसी का भी हो, और फिर जब वो भगवान का ब्याह हो तो फिर तो बात ही अलग है। ऐसा लगने लगा कि वास्तव में ही, सत्य में ही आज भगवान का विवाह उत्सव श्री राधा कृष्ण धाम में मनाया जा रहा है। भगवान का विवाह इससे पूर्व रेवती जी के साथ में बलराम जी का विवाह भी हो चुका था। महाराज रेवत की पुत्री जिसे लेकर के ब्रह्मा जी से पूछने चले गए किसके साथ विवाह करना, सत्संग में पता ही नहीं लगा, समय इतना व्यतीत हो गया। जब सत्संग खत्म हुआ ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो नीचे लोग छोटे छोटे रह गए हैं, तुम्हारी बेटी है 25 हाथ लंबी और अब लोगों के लंबाई है 7.5 हाथ। जब आप यहां आए थे वहां कुछ और था, अब आप जाएंगे तो वहां कुछ और होगा, क्योंकि यहां के समय में और वहां के समय में बहुत अंतर है। तो महाराज रेवत कहने लगे पर क्या बेटी मेरी कुंवारी रह जाएगी कि नहीं, कुंवारी नहीं रहेगी, भगवान ने जन्म लिया है, साथ में ही शेषावतार बलराम जी का जन्म हुआ है, उनके साथ अपनी पुत्री का कन्यादान कर दीजिए। महाराज रेवत ने आकर के महाराज बलराम को अपनी पुत्री का कन्यादान किया, लेकिन बलराम 7.5 हाथ लंबे, रेवती जी 25 हाथ लंबे, मुसल से दबा करके बलराम जी ने अपने कंधे के बराबर बना लिया। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय। अब होता है जी रुक्मिणी घर में ब्याह के आ गई, समय हुआ सैव जातो वेधर्व्यां कृष्ण वीर समुद्भवा प्रद्मुना इति विख्या सर्वतो नवमापितो। रुक्मिणी जी की गर्भ से समय आने पर एक पुत्र ने जन्म लिया, प्रद्मुन के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन ये जैसे ही जन्म हुआ
सम्रासुर नाम का एक राक्षस, जिसको पूर्व ही पता था कि कृष्ण का बेटा मेरा काल होगा, इसलिए सूत का गार में से राक्षसी माया करके किसी तरह से उस बच्चे को हरण कर लिया और हरण करके बच्चे को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। उस बच्चे को एक मक्ष ने निगल लिया। मक्ष एक मछुआरे के जाल में फंस गया और वो संभ्रासुर की रसोई में पहुंच गया। संभ्रासुर की रसोई में कुल्हाड़ियों से जो मच्छ को काटा गया तो उसके पेट से सुंदर बालक निकला। सुंदर बालक निकला तो उसी की रसोई में रसोई का काम करती थी माया, जिसका नाम था। लेकिन पूर्व समय में वो रति थी। जब शंकर भगवान ने कामदेव को दग्ध कर दिया, जला दिया, रोती हुई रति भगवान के पास आई, रोदत बदत बहु भय भात करुणा करत शंकर पई गई, हे प्रभु तुमने ये क्या कर दिया? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, तेरा पति अतनु होगा, बिना शरीर के सबको व्याप्त होगा। रति कहने लगी, अतन तो मैं सबके साथ में विषय करती फिरूंगी। अरे आप समझो मैं दक्ष की पुत्री हूं, मैं आपकी साली लगती हूं, क्या मैं सबके साथ करूंगी? मुझे तो शरीर से मेरा पति चाहिए। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था, क्या दिया था? कृष्ण तनाया हो सुत तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, जो कृष्ण का बेटा होगा, जब जदवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामय भारा, तो कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यता होए न मोरा। ये मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार कर रही है। नारद जी सब कुछ बता गए हैं, ऐसे ऐसे मिलेगा। एक दिन वो बालक जब उसकी गोद में आ गया, तो जब बच्चे को वो पालने लगी तो बच्चे की निगाहें एक मां की तरफ और तरह की होती हैं, वो और तरह से देखता है, जैसे कोई पत्नी को देख रहा हो। एक दिन नारद जी आए तो माया ने सारी व्यथा सुनाई, प्रभु ये बालक मैं पाल रही हूं, ये मेरी तरफ जो है मातृभाव से नहीं देखता, पत्नी भाव से देखता है। तो नारद जी ने कहा, यही तो तेरा पति है, वो कामदेव जो शंकर भगवान ने तुझे आशीर्वाद दिया था। तो माया ने उसको सारी विद्या सिखा दी और उसने संभ्रासुर का वध कर दिया। दुल्हन लेकर के घर पहुंचे, जब रुक्मिणी ने देखा जोड़ी, सोचने लगी, आज मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी होता नहीं है, ये तेरा ही बेटा है। संभ्रासुर इसका हरण कर ले गया था, संभ्रासुर का काम तमाम करके दुल्हन लेकर के, ओ पुरानी दुल्हन भगवान शंकर की साली, आज लेकर के घर में आया है, उत्सव मनाइए, खुशियां मनाई गई। एक बार बोलो, बांके बिहारी लाल की जय हो। सत्राजित सुतनयाम कृष्णाया के दकल वसह, स्वंदंगेन मणिनाम स्वयं उद्देश्य दत्तवान। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित, पहला विवाह भोल संकट श्री कृष्ण भगवान का हुआ, रुक्मिणी के साथ बेटा भी हो गया। एक दिन सत्राजित यादव ने भी अपनी पुत्री का विवाह सत्यभामा का भगवान के साथ में किया।
और साथ में स्मंतक नाम की मणि भी प्रदान की। राजा कहने लगे परीक्षित, सत्राजित किम करो ब्रह्म कृष्ण किल विषम स्मंतक कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरे। मैंने सुना प्रभु कोई अपराध भी किया था सत्राजित ने, सुना है कुछ, तो क्या अपराध किया था प्रभु ये बताइए, और फिर किस तरह अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, अपराध भी किया तो विवाह भी कर दिया, ऐसा कैसे हुआ प्रभु, सारी बात हमें बताइए। सुखदेव जी कह रहे हैं, आशीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। सूर्य देव का उपासक सत्राजित यादव था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के उसको स्मंतक मणि प्रदान की थी। स्मंतक मणि जो थी 100 भार सोना नित्य प्रदान करती थी, यानी तकरीबन 1 क्विंटल सोना नित्य प्रदान करती थी। अब जिसके घर में 1 क्विंटल सोना रोज आए वो धरती पे पैर क्यों रखे भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लक्ष्मी आती है बिना कमाए तो मुश्किल जरूर खड़ी होती है। सुनी खगी सयस को जग प्रभुत्व मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है, जब अहंकार आ जाता है तो समूल नष्ट कर देता है। कृपा परमात्मा की होती है तब तक ही जीव अहंकार से वंचित रहता है। अहंकार से बचने के लिए बड़ा सुंदर उपाय रामचरितमानस में लिखा है, अगर बचना है अहंकार से कैसे बचा जा सकता है। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र कूद करके गए, लंका जला के अंगूठी लेकर के निशानी लेकर के माता सीता से चूड़ामणि लेकर के प्रभु को समर्पित की। भगवान ने बड़ाई की, भगवान ने बड़ाई की। हनुमान जी ने सोचा कहीं इनकी बड़ाई से अहंकार ना आ जाए, चरणों में गिर पड़ा। भगवान जी चुप हो गए, फिर खड़े हो गए हनुमान जी। राम जी फिर बड़ाई करने लग गए, हनुमान जी फिर गिर गए। राम जी फिर चुप हो गए, फिर हनुमान जी खड़े हुए, फिर राम जी बड़ाई करने लगे, फिर चुप, फिर गिर गए। राम जी कहते हैं प्रभु अरे हनुमान बार बार चरणों में क्यों गिरता है। हनुमान जी कहते हैं भगवान आप मेरी बार बार जो बड़ाई करते हैं ना तो मुझे लगता है कहीं मेरे अहंकार ना आ जाए, तो अहंकार ना आ जाए तो चरणों में क्यों गिरता है। हाँ प्रभु इसलिए गिरता हूं कि इन चरणों से जो चिपका रहता है उसको कभी अहंकार नहीं आता। अहंकार उसी को आता है जो प्रभु के चरणों से दूर है और जो भगवान के चरणों से सुसज्जित है, जिसमें भगवान की भक्ति रूपी फल लगे हुए हैं। वो इंसान तो ऐसे झुक जाता है जैसे फल लगने पर बेरी जमीन से मिल जाती है,
बड़े बड़े वृक्ष झुक जाते हैं। इसी प्रकार इंसान में संपन्नता आ जाती है, भगवान की भक्ति होती है, तो फिर झुक जाता है, नम्रता आ जाती है। और नम्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सत्राजित यादव में नम्रता नाम की कोई चीज नहीं। इतना पैसा बड़ा देख करके मन में आया, मेरी बराबर का कोई है? तो किसी ने कहा, अरे तू तो कुछ भी नहीं है, अगर तुझे ज्यादा ही अहंकार है तो तू जा, चला जा द्वारिकापुरी में, वहां जाकर के देख क्या तमाशा हो रहा है। द्वारिकापुरी में चला गया, दरबार में प्रवेश किया, भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु आज तो आपसे मिलने के लिए सूर्यदेव पधार रहे हैं। सूर्यदेव पधार रहे हैं? हां प्रभु, देखो कितना प्रकाश है, सूर्यदेव आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान कहने लगे, बैठ जाओ, कोई सूर्यदेव नहीं आ रहे, सत्राजित आ रहा है, उसके पास में स्वंतक नाम की मणि है, उस मणि का ये प्रकाश है, बैठ जाइए, कुछ नहीं है। इतने में ही सत्राजित यादव आ गए। अब लोग होते ही हैं, अनेक तरह के लोग होते हैं दरबारों में। एक दरबारी लोग चलते हैं और जाकर के कहते हैं, सत्राजित जी तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है, कि मैं हूं, मेरा भाई है, भाई की पत्नी है, मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी है, इतना बड़ा परिवार है हमारा, तो इस परिवार के लिए तो बहुत थोड़ा भी काम चल सकता है, आप ये स्वंतक मणि राज खजाने में जमा कर दीजिए, इससे जो सोना आएगा उससे जनता का भला होगा। अब जिस चीज से अहंकार है इंसान को, वो चीज आदमी कैसे दे सकता है, आप ही बताइए। जो अहंकार का कारण है उस वस्तु को जीव कैसे दे सकता है। सत्राजित उठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, प्रणाम भी भगवान को नहीं किया, घर जाकर के मणि उतार के किल्ली पर रख दी। को उसका छोटा भाई था प्रसैन, प्रसैन ने वो मणि ली, अपने गले में डाल ली लॉकेट की तरह, और डाल करके मणि शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने के लिए चला गया और लौट के नहीं आया। एक दिन गुजर गया, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, महीना गुजर गया, लौट के नहीं आया। सत्राजित यादव ने बड़ी खोज की लेकिन कहीं कोई पता नहीं लगा। सत्राजित यादव ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, सुनो, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने मेरे से ये मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं, और उसी के कारण शायद मेरे भाई सत्राजित जो है प्रसैन को श्री कृष्ण ने मरवा दिया और मरवा करके ये मणि ग्रहण कर ली, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। लेकिन स्त्री के कान में जब बात पहुंच जाए फिर कैसे रुक सकती है। चलते चलते वो बात रुक्मिणी के दासी के कान में पहुंच गई। रुक्मिणी ने भगवान से कहा, भगवान ने जाकर के महाराज अपने नाना प्रसन्न से कहा कि प्रभु मेरे को कलंक लग गया बिना बात का। नाना जी ने कहा, बेटा कलंक को धोइए, दूध का दूध कर दो, पानी का पानी कर दो। श्री कृष्ण भगवान अपने साथी संगी कुछ लेकर के, सेना साथ लेकर के सत्राजित यादव के घर गए। पूछा, तेरा भाई किधर गया था शिकार खेलने के लिए? उसने बताया, दक्षिण की तरफ गया था। भगवान दक्षिण की तरफ गए, खोजते फिरे जंगल जंगल, तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है प्रसैन का। थोड़े आगे चले के देखा तो प्रसैन भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि उसके पास नहीं है। पैरों के खोजों से पता किया, घोड़ा किसने मारा है, प्रसैन को किसने मारा है, तो पता लगा किसी शेर ने मारा। शेर के पदचिन्हों का पता करते करते आगे गए,
तो क्या देखते हैं, शेर भी मरा पड़ा है लेकिन मणि उसके पास में भी नहीं है। अब भगवान कहने लगे मणि कौन ले गया भाई, तो वहां देखा शेर को किसने मारा है, पैरों के चिन्ह देखे तो भालू के चिन्ह मिले, भालू के पद चिन्हों पर गए तो भालू के जो पद चिन्ह है वो एक गुफा में प्रवेश कर गए, गुफा में भगवान गए तो मणि का प्रकाश देखा, मणि का प्रकाश देखते ही भगवान को ये याद आया कि जरूर ही मणि यही है, पर गुफा का एक दरवाजा है, अंधेरी गुफा है। साथियों से कहा आप यहीं खड़िए, 15 दिन मेरा इंतजार करिए, 15 दिन में आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो लौट के द्वारकापुरी चले चले। भगवान अंदर गए, अंदर देखा तो सुंदर एक कन्या उस मणि के साथ खिलौना बना के खेल रही है। जैसे ही भगवान गए तो वो पहले हंसी फिर रोने लगी। भगवान ने पूछा या तो हंसी ले या रोई ले, दोनों काम क्यों कर रही है? वो कहती है प्रभु हंसी तो मैं इसलिए हूं कि आज पहली बार मैंने कोई सुंदर पुरुष देखा है, रो इसलिए रही हूं कि मेरे पिता को पता लग गया तो तुमको मार डालेगा। इतने में ही तो आ क्यों ना जाए पिता, झपट्टा मारा कोई बात भी नहीं, भगवान के साथ युद्ध हुआ। महीनों बीत गए युद्ध करते करते, पूर्ववासी सब लौट गए, 15 दिन की कहा भगवान महीना में भी नहीं लौटे। जब महीनों बीत गए, 6 महीने बीत गए, तब वो भालू ने कहा कि प्रभु मैंने तुमको पहचान लिया, पहचानने वाला था कौन तो बुढ़ा जामवंत। देखिए विलक्षण लीला सुनिए, जब राम जी के साथ में युद्ध किया था तो उसका उद्घोष होता था कि जामवंत मंत्री अति से पहले भी उसका जन्म हुआ होगा, ताकि वो बूढ़ा था उस समय, आज भगवान से युद्ध कर रहा है, करते करते कहता है पहचान लिए भगवान मैंने आपको। भगवान कहने लगे कैसे पहचान लिया, कि तुम वही राम हो जिनको मैंने कहा था भगवान युद्ध करते करते मेरे भुजाओं के बल का पता नहीं लगा, एक बार थोड़ा सा रावण से युद्ध हुआ, उठा करके रथ समेत फेंक दिया लंका में, उसके बाद किसी से लड़ाई नहीं हुई, मेरी भुजाओं में कुर्क चल रही है, प्रभु मेरे से युद्ध कर लीजिए। भगवान कहने लगे मैं इस समय तो मर्यादा में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम जो हूं, लेकिन फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ने के लिए तेरे से द्वापर युग में आऊंगा, इंतजार करना। तो प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, ये मणि में लाया हूं, ये मणि और मेरी कन्या दोनों ही आप कन्यादान में ले लो। भगवान ने कहा ठीक है, तो वहां से जामवंती का विवाह करके भगवान ले आए। कितने ब्याह हो गए भैया, विष्णु 2 हो गए ना, बोलो वाके बिहारी लाल की जय। सत्राजित को सारी बात पता लग गई, उसकी मणि मोड़ दी, सारी कथा सुना दी, सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्राजित ने आदव ने भी अपनी सत्यभामा नाम की पुत्री का विवाह भगवान के साथ में कर दिया और साथ में वो मणि कन्यादान में दे दी, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं की, पिताजी ये आप अपने पास रखिए, जब तुम्हारी बेटी के बेटा हो तब उनको दे देना। तो इस प्रकार से भगवान को कलंक लग गया था, भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, अभी आने वाला है ना चौथ का चंद्रमा, 2 तारीख का है ना, तो
जो कोई इस कथा को सुनता है कलंक चतुर्थी वाले दिन अगर चंद्र दर्शन हो जाते हैं भूल से तो वो पाप उतर जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे तो जमुना के किनारे श्याम लोचना कन्या श्याम रंग की तप कर रही है बैठी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन देखिए कोई राजकुमारी कोई सुंदरी परंतप कर रही है। अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु कर रही है पूछ के आओ कौन है। अर्जुन जाते हैं पूछते हैं हे देवी आप कौन हैं तो वो कहती है क्या कहती है अहम देवस्य सब दुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। महाराज मेरा नाम कालिंद्री है। अर्जुन ने कहा फिर यहाँ क्या कर रही हो किसकी बेटी हो मैं सूर्य की बेटी हूँ यहाँ क्या कर रही हो तप कर रही हूँ किसके लिए कर रही है कि वो विष्णु भगवान अवतार लेके धरती पे आए हैं और बताते हैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है उन्होंने मैं उनको भर चाहती हूँ। तो कह ठीक है वो तो मेरे मित्र ही हैं चलो हम करा देते हैं ये रिश्ता। तो जमुना जी के साथ में एक और रिश्ता हो गया। कितने ब्याह हो गए चार मां के बिहारी लाल की जय। उज्जैन नाम के राजा थे बिंद और अनविंद। दुर्योधन से प्रेम था उनकी पुत्री भगवान को चाहती थी उसके साथ में विवाह करके पांचवा विवाह किया नग्रजिती के साथ में विवाह किया। इस प्रकार से भगवान आठ विवाह कर चुके हैं भद्रा के साथ लक्ष्मणा के साथ सुकीर्ति के साथ। एक दिन भगवान को चिट्ठी आती है भौमासुर के जेल में पड़े हुए बहुत सारे राजाओं की। भौमासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने ऐसा परकोटा बनाया जिसमें कोई देवता वगैरह जा नहीं सकता। भौमासुर ने मैया अदिति के कुंडल छीन लिए। भौमासुर ने बड़े बड़े उत्पात किए। भौमासुर भूमि का पुत्र है उसको वरदान था कि जब तक उसकी मां नहीं कहेगी कि इसको मार डालो तब तक वो नहीं मरेगा। तो बताओ किसी की मां कैसा ही कुपुत्र हो कह सकती है क्या कि इसको मार डालो। तो वो बलवान बड़ा अहंकारी उसने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया है साथ में ही 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया है। उस कन्याओं का पत्र आया भगवान के पास। भगवान चलने लगे भौमासुर से युद्ध करने के लिए। सत्यभामा कहने लगी कहां जा रहे हो भगवान। भगवान ने कहा ऐसे ऐसे जा रहा हूं कि मैं साथ में चलूंगा चलूंगी उस भौमासुर को आप अकेले नहीं जीत सकते हैं। तो सत्यभामा जी साथ में गई। भगवान ने पांचजन्य शंख बनाया बचाया बजाते ही राक्षस टूट पड़े भगवान के ऊपर। थोड़ी देर में सारे राक्षसों का सत्यानाश कर दिया। भौमासुर के साथ युद्ध हुआ भौमासुर भी नहीं हार रहा है भगवान भी नहीं हार रहे हैं। अब यहां मैया सत्यभामा ने देखा भगवान पर संकट आ गया तो भगवान ने से कहा प्रभु मार डालिए इसको मार डालिए। अब पृथ्वी का अवतार है मैया सत्यभामा और पृथ्वी का ही पुत्र है भौमासुर। जैसे ही मां ने कहा वैसे ही सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। 16,100 कन्याओं को मुक्त किया उनसे कहा घर जाइए। लेकिन उन्होंने कहा प्रभु हमारा कोई घर बार नहीं है हमको 3 महीने के लिए आया इसको 2 महीने के लिए आया किसी को 1.5 महीने के लिए आया इस प्रकार हमारा कोई घर बार नहीं है हम तो आपके ही साथ चलती हैं। हे प्रभु हमें कोई अपनी दासी रख लेना कोई नौकरानी रख लेना। इस प्रकार से भगवान ने कहा नहीं नहीं तो मैं भी पटरानी बनाऊंगा। इस प्रकार से 16,108
विवाह भगवान श्री कृष्ण किए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बात बताता हूं बड़े मर्म की है। लोग कहते हैं भगवान ने 16108 विवाह किए। इस 16108 श्रुतियां हैं, श्रुतियां जो श्रुतियां हैं वो भगवान की दासी तो होती हैं, इसलिए श्रुतियों ने आकर के धरती पर अवतार लिया और वो श्रुतियां जो है वेद की ऋचाएं भगवान की ही दासी तो हो सकती हैं, किसी और की थोड़े ही हो सकती हैं। इसलिए संशय त्याग करके इंसान को ये समझना चाहिए कि वो 16108 कोई और नहीं, वेद की ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, जिन्होंने भगवान से ही अपना संबंध स्थापित किया। अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की बेटी के साथ में हुआ, उसमें रुक्मी को बलराम जी ने बध कर दिया, मार दिया। एक कथा ऐसी भी आती है जहां भोले बाबा और श्री कृष्ण भगवान आमने सामने हो गए, बड़ा युद्ध हुआ। वो कैसी कथा है उसको सुनाने से पहले एक और कथा सुनाते हैं। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की हमने फरीदकोट के जेल में भी की थी। फरीदकोट की जेल में कोई शायद 20 वर्ष हो गए होंगे इस बात को, जब शर्मा जी को एक केस लग गया था और शर्मा जी जेल में थे और शर्मा जी मंत्री थे, इसलिए आने जाने की छूट थी। उन्होंने आकर के मेरे को कहा आप भागवत में जेल में भागवत कर देंगे। लगा तो मुझे अजीब, लेकिन उन्होंने कहा चिंता ना करें, आपको फुल गेट खुलेगा, ये नहीं खिड़की से निकाला जाए, पूरा गेट खुलेगा आपके लिए, जैसे कोई बड़े अफसर के लिए खुलता है। तो मैं, मेरे साथ में 5 ब्राह्मण, सेठिया वाले मोहल्ले की संगति कथा सुनने के लिए जाती, पूरा गेट खुलता और जाकर के भागवत जेलियों के सुनाने का भी हमें सौभाग्य मिला है। जिनको कभी कोई भागवत का सौभाग्य नहीं मिला हो वो सौभाग्य भी दास को प्राप्त हुआ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जेल में सुनाई और 302 के केस से शर्मा जी, उपेंद्र शर्मा जी मुक्त हो गए। अभी अभी माला पहना के गए हैं, मुझे शायद चले गए होंगे यहाँ से। तो ये भी एक मिसाल है। बोलो वाके बिहारी लाल की। आइए भगवान श्री कृष्ण और शंकर भगवान का युद्ध कैसे हुआ। एक बार श्री कृष्ण भगवान के पुत्र पौत्र हैं अनिरुद्ध और इधर बाणासुर की एक बेटी है जिसका नाम है उखा। बाणासुर सोनितपुर नाम के नगर में रहते हैं जो आज के समय में भरतपुर जिला राजस्थान की बयाना तहसील है, जहां की हमारी देवी है पंडितानी जी, हमारी घरवाली। वहां पर जो है किला है वो जो है बाणासुर का। बाणासुर था कौन ये तो आप जानते होंगे शायद, नहीं तो मैं बता देता हूं। बलि का बेटा ही बाणासुर था, प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि और बलि का बेटा बाणासुर। बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी सेवा की, रावण ने भी की थी, लेकिन रावण बहुत ज्यादा अहंकारी, ज्यादा ही अहंकारी थे। तो बाणासुर ने जब की तो बाणासुर से कहा भोले बाबा ने कि मांग ले बेटा, वरदान मांग ले। बाणासुर ने कहा प्रभु मेरे किले की रखवाली करो आप। भगवान ने कहा ठीक है। बाणासुर के हजारों भुजाएं थी, इसलिए बल भी बहुत था। एक दिन राक्षस सुत जाग पड़ा और भोले बाबा से कहा बाबा मैं जिससे लड़ता हूं
वही हार जाता है मेरे से। मैंने सुना है तुम में तो बड़ी ताकत है, बोले बाबा आप ही लड़ लो मेरे से। बोले बाबा ने कहा यार तेरी रखवाली करने आया हूं, अब तेरे साथ लड़ाई मेरी कैसी। चल कोई बात नहीं, तेरी भुजाओं का मर्दन करने वाला एक दिन तेरे घर ही आ जाएगा। मेरे को कैसे पता लगेगा बाबा। बोले बाबा कहने लगे ये तेरी ध्वजा जो ऊपर फहरा रही है ना झुक जाएगी तभी पहचान लेना। तो एक दिन उसकी पुत्री उषा ने, बाणासुर की पुत्री उषा ने सपना देखा। सपने में क्या देखा, बहुत सुंदर पुरुष देखा। पुरुष देख करके बड़ी विचलित हो गई और विचलित होकर के अन्न पानी सब कुछ त्याग दिया। त्याग करके बड़ी दुखी हुई, माता पिता भी दुखी हैं। एक दिन उसकी सहेली चित्ररेखा ने पूछा क्या बात है, तूने अन्न पानी क्यों त्याग दिया है, क्या चाहती है। तो उसने सारी बात बताई, मेरे दिल को चुरा ले गया है कोई, कौन चुरा ले गया ये मुझे नहीं पता, सपने में आया था। चिंता ना कर, सारी दुनिया के इंसानों की फोटो बना करके तेरे सामने रख दूंगी, तू अपने दिल का चोर पहचान लेना। उनने कहा ठीक है। अब वो चित्र बनाने लगी, पहले सूर्यवंश का बनाया, राम को देख करके कहा हो सकता है ऐसा है पर ये नहीं है। फिर बनाते बनाते सूर्यवंश का अंत किया, चंद्रवंश शुरू किया, श्री कृष्ण भगवान का जब नंबर आया तो उसने घूंघट कर लिया, कहता है ऐसा ही है पर ये नहीं है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो कहा है बिल्कुल ऐसा ही है पर ये भी नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया तो कहा बहन मेरे दिल का चोर तो यही है। कहा चुपचाप बैठ जा, इसकी नगर की रखवाली सुदर्शन चक्र करता है, श्री कृष्ण भगवान का पौत्र है ये, द्वारिकापुरी में रहता है सोने की नगरी में, ये अभिलाषा तेरी परिपूर्ण नहीं होगी तो क्या मैं प्राण त्याग दूंगी। चित्ररेखा कहने लगी फिर मैं ही कुछ करती हूं, वहां औरतों के लिए ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, मैं जाती हूं। वो गई सूक्ष्म रूप बना करके और अनुरुद्ध को ले आई, ला करके सौंप दिया उसको ऊखा को। एक दिन देखा उसने कि झंडा नीचे को झुक गया है, शहर नगर की तलाशी ली, महल की तलाशी ली, पता लगा कि बेटी के महलों में ही चोर छुपा हुआ है, चारों तरफ से घेर लिया और नाग पास में बांध लिया। श्री कृष्ण भगवान को पता लग गया नारद जी के द्वारा, भगवान ने चढ़ाई कर दी। जैसे ही सोनितपुर पे चढ़ाई की, भोले बाबा लेकर के त्रिशूल सामने आ गए, कृष्ण कन्हैया आज तो मेरी तेरी ठनेगी। कहने लगे बाबा क्यों, क्योंकि मैं इसके नगर की रखवाली करता हूं, मैं इसके नगर का पहरेदार हूं, इसलिए मेरे तेरे साथ में युद्ध होगा। भगवान कहने लगे हे गुरुजी, आप तो गुरुजी मैं शिष्य, हमारा आपका युद्ध कैसा कि भी मैं मजबूर हूं, मैं भी मानता हूं कि आप मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मैं आपका सेवक, लेकिन फिर भी आप अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, भगवान ने अपना ज्वर छोड़ा, बुखार, ज्वर कहते हैं बुखार, वैष्णव ज्वर सैप ज्वर, दोनों ज्वर लगने लगे आपस में, बड़ी लड़ाई हुई, भगवान की भी लड़ाई हुई, कई दिन व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ओ बाबा तुम्हारा नाती नागपास में बंधा हुआ है, दो चार दिन और नहीं पहुंचे तो वो मर जाएगा, आप ही बताइए मैं कौन सा भाण मारूं जिससे आप मेरे को रास्ता दे दें। भगवान कहने लगे बोले बाबा अरे कन्हैया तुम तो बड़े चतुर हो और तुमको ये नहीं पता कि मैं कौन से बाण से मोहित होता हूं, अरे मेरे ऊपर मोहन अस्त्र चलाइए, मोहन अस्त्र। भगवान ने मोहन अस्त्र का संधान कर दिया, भोले बाबा नाचने लग गए, भगवान आगे को बढ़ गए, पांच जन शंखज बजाया, बाणासुर घबरा करके लौट के दरवाजे पे आया, युद्ध हुआ
और परमात्मा ने उसकी सारी भुजाएं एक एक करके काटने लगे। जब दो भुजा हो गई रह गई तब भोले बाबा आने आके कहने लगे, अरे दो भुजा कन्यादान के लिए तो छोड़ दो कन्हैया। तब भगवान ने दो भुजा छोड़ी। शंकर भगवान ने कहा, अपनी बेटी का विवाह इनके नाती को कर दे, अच्छा कुल खानदान है, तेरी बेटी चाहती भी है इसको। तो विवाह हो गया। इस तरह से भगवान के पोते का विवाह हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक दिन भगवान के परिवार के कुछ राजकुमार, बड़ी कथा सुने विचित्र, भगवान के परिवार के कुछ राजकुमार क्या करते हैं, सैर करने के लिए, शिकार खेलने के लिए, वन विहार करने के लिए जंगल में निकले। क्या देखते हैं, एक कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट कितना बड़ा है, वो मानो हाथी जैसा हो रहा है। राजकुमारों ने निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकला नहीं। उन्होंने जाके भगवान को सुनाया, प्रभु कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है और उसका इतना विशाल काय गिरगिट है कि हाथी के समान उसका आकार है। भगवान ने कहा हमें ले चलो। भगवान वहां गए, प्रभु ने उसको निकाला, निकाल करके पैर का अंगूठा छुमाया, छूते ही वो दिव्याकार हो गया, भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा तू अपने मुंह से ही बता कि मैं कौन हूं। तो वो बताता है, नगो नाम नरेंद्र हम इच्छा कूतनय प्रभो। कभी कभी दानवी इंसान को खराब कर जाता है, ये बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। वो कहता है, महाराज मैं इच्छांकु का पुत्र हूं, मेरा नाम है राजा नग। फिर तू ये गिरगिट के जन्म में कैसे पड़ गया भैया? एक दिन मेरे से बड़ी गलती हो गई महाराज। क्या गलती हो गई? कहने लगे, एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। तो राजा नग कहता है, मेरे से गलती हो गई प्रभु। एक मैं 1,00,000 गाय नित्य दान करता था, एक दिन कोई गाय मैंने दान कर दी। दान की हुई गाय लेकर के कोई ब्राह्मण जा रहा था, वो गाय उसे छूट गई, छूट करके आकर के मेरी गायों में मिल गई जो मैंने अगले दिन दान करनी थी। दूसरे दिन वो दोबारा मेरे से दान हो गई। दान लेकर के दूसरा ब्राह्मण जा रहा था, दूसरा उसको खोजते हुए आ रहा था, ढूंढते हुए आ रहा था। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। एक कहता है ये मेरी है, एक कहता है मेरी है। एक कहता है मुझे राजा नग ने दी है, एक कहता है मुझे भी राजा नग ने दी है। चक्कर पड़ गया बड़ा भारी तगड़ा। दोनों ही मेरे दरबार में आए। मैंने दोनों ब्राह्मणों से कहा, एक गाय के बदले 1,00,000 गाय दान ले लो, झगड़ा खत्म कर लो। एक गाय के बदले में सोने की गाय ले लो, झगड़ा खत्म कर लो। लेकिन दोनों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैं उसकी बात सुनूं तो भी ऐसे कर दूं, मैं उसकी बात सुनूं तो भी ऐसे कर दूं, ऐसे करके बड़ा लंबा समय हो गया, मेरे से कोई न्याय नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने कुपित होकर के मुझे श्राप दे दिया, अरे राजा गिरगिट की तरह गर्दन हिलाते हो, हमारा न्याय नहीं करते, जाओ आप गिरगिट बन जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। मैंने पुण्य बहुत किए थे, मैं स्वर्ग में गया। स्वर्ग में जाकर के मुझे भगवान ने पूछा, बेटा तेरे पुण्य बहुत है और छोटा सा तेरा पाप भी है, पुण्य करते करते वो थोड़ा रह गया है, वैसे था तो बड़ा, लेकिन तूने सारी उम्र पुण्य किए इसलिए वो पुण्य, वो पाप जो था वो छोटा रह गया है। तुझे पल दो पल के लिए गिरगिट बनना है। अब तू एक बात बता, तेरे सामने दोनों ही बात रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, पहले तू गिरगिट बनेगा या पहले अपने पुण्य के सुख को भोगेगा? वो सोचने लगा, क्या करूं भाई,
कोई किसान था, किसान खेती करता था। दैव योग से ऐसा हुआ कि उसके साल भर के अन्न पैदा नहीं हुए। 9 महीने के लिए अन्न उसके पास उपलब्ध था, 3 महीने के लिए अन्न था नहीं। पागल किसान सोचने लगा, पहले 3 महीने भूखे मर लेते हैं, बाद में 9 महीने आराम से खाएंगे। अन्न रखा ही रह गया, 3 महीने में भूखे सारा परिवार मर गया। वाके बिहारी लाल की, आप लोग ऐसा मत करना कभी। राजा नग ने भी ऐसा ही किया। भगवान ने पूछा, पहले पुण्य का फल लेगा या पहले पाप का? पुण्य का कितना है कि बहुत बड़ा है, पाप का कितना है कि छोटा सा है? कि पहले पाप का दे दो, पहले पाप का भोग लू, फिर बाद में पुण्य पुण्य भोगूंगा। अब आप जानते हैं, पाप योनि में जीव पड़ेगा तो क्या करेगा? पाप ही तो करेगा, गिरगिट बन गया। और खा खा के जीव जंतु, खा खा के जीव जंतु पाप बढ़ता गया और पाप की सीमा भी बढ़ती चले गए। आज भगवान के चरण लगे हैं तो उद्धार हो गया है। विमान आया और बैठ करके राजा नग वैकुंठ धाम के लिए चला गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक दिन नारद जी ने देखा कि मैंने विवाह करना चाहा तो भगवान ने मुझे ब्याह नहीं करने दिया और मेरे से कहा, हे नारद, साक्षात माया है स्त्री, बचते रहना तू। लेकिन मैं देखता हूं 16108 करके महाराज जी बैठे हैं, आज मैं बता ही दूंगा भगवान को। तो नारद जी चले आए ग्रहचर्या देखने के लिए, कैसी ग्रहचर्या है, कहीं तो लीकेज मिलेगी। पानी में आग लगाना तो हमको आता ही है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय हो। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण हो, लेकिन नारायण का अर्थ जानते हो क्या? क्या अर्थ है नारायण का है? जानते हैं? हाथ उठा के कोई बताएगा नारायण का अर्थ क्या है? है किसी में हिम्मत? बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। नारह यश आयन नारह यश आयन यश सह नारायण, जिसका निवास जल में है। नार माने जल, जिसका निवास जल में है, क्षीर सागर में है, उसी को कहते हैं नारायण नारायण। नारद जी नारायण नारायण लटते हुए श्री द्वारकापुरी में पधारे। सोचने लगे, देखता हूं अकेले कहां बैठे हैं। जिस घर में बैठे होंगे वहां तो ठीक ठाक है, लेकिन जिस घर में नहीं होंगे वहां तो खूब ही चुगली करूंगा। तो सबसे पहले रुक्मिणी के घर गए। भगवान सो रहे, रुक्मिणी जी पंखा झल रही हैं। बन गया काम, सत्यभामा के घर चलते हैं। सत्यभामा के घर गए तो वहां रोटी खा रहे हैं। अरे चलो जामंदी के यहां चलते हैं। वहां गए तो सार फांसी खेल रहे हैं। जितने 16108 घर थे, सब घरों में भगवान नारायण विद्यमान थे, कहीं भी एब्सेंट
नहीं थे, सब जगह प्रेजेंट थे। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु तेरी माया तो तू ही जैन है। हे प्रभु तेरा पार किसने पाया है, तेरी माया तो तू ही जैन है। ऐसी ग्रहचर्या देखी नारद जी ने, हर रानी से बात की, हर एक रानी एक ही बात कहती है, हमें एक ही दुख है कि भगवान हमसे ही स्नेह ज्यादा करते हैं, हमें डर लगा रहता है कि हमारी दूसरी भी बहनें तो हैं, उनसे क्यों नहीं स्नेह करते। इस बात से ही हमें भगवान से शिकायत है, और कोई शिकायत नहीं। एक दिन भगवान को जरासंध के जेल से एक लेटर आया, उस पर राजा ने वहां राजा बहुत सारे राजा जरासंध ने कैद कर रखे थे, उन्होंने भगवान के लिए पत्र लिखा, इति मागध संरुद्धा भगवत दर्शन कांचिना प्रपन्ना पादमूलं ते दीनानां संविधीयता। दूत आया भगवान से कहता है, प्रभु तुम्हारी चरण कमलों की कृपा, आपकी चरण कमलों की कृपा चाहते हैं। कौन चाहते हैं? जो जरासंध के जेल में पड़े हुए हैं। प्रभु जरासंध उनको बड़ा ही कष्ट देता है, भगवान कुछ करिए। भगवान ने कहा, आप जाइए उनसे कह दीजिए, थोड़े ही दिन में हम आपको मुक्त करा देंगे। भगवान ने वायदा कर दिया। अब भगवान आते हैं, कहते हैं दो काम करने हैं, एक तो प्रिय पांडवों से राजस्व यज्ञ कराना है, और एक काम क्या कराना है कि खटका मिटाना है जरासंध का। एक बार बोलो, बांके बिहारी लाल की, जितनी संगति है उसके अनुसार नहीं आई आवाज, बोलो बांके बिहारी। तो भगवान ने जाकर के पांडवों से कहा, राजस्व यज्ञ करना है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, कैसे करेंगे, बहुत सारे राजा हैं जो हमसे बैर मानते हैं अब भी। भगवान ने कहा, यह चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, 3 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए मुझे अर्जुन और भीम दे दो। अर्जुन और भीम ले लिए दोनों भगवान ने, और लेकर के साधु का भेष बना करके जरासंध के घर पहुंच गए। जरासंध से कहा, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जरासंध आया, देखता है ये कैसे पंडित हैं या साधु हैं, इनके कंधे विशाल हैं, इनकी चुटकियां बाण चलाने वाली स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ये ब्राह्मण तो है नहीं, साधु भी ये है नहीं। जरासंध का, सत्य सत्य बताओ तुम कौन है। भगवान ने कहा, मैं कृष्ण हूं, ये मेरी बुआ का बड़ा बेटा है भीम, और ये मेरी बुआ का छोटा बेटा है अर्जुन, और हम आपसे भिक्षा लेने आए हैं, युद्ध की भिक्षा दीजिए, पर युद्ध की भिक्षा दीजिए। बताओ पहले युद्ध की भिक्षा मिला करती थी। एक बार बोलवा के बिहारी की जय। तिल मिला गया, जरासंध कहने लगा, तू तो मेरे सामने से भाग गया था, ये नहीं कहा कि 17 बार मेरे को परास्त कर दिया था, वो नहीं कहा, ये कहा कि तू मेरे सामने से भाग गया था, और ये औरत बन के विराट राज के घर रहा था, तुम दोनों मेरे बराबर के नहीं है, हाँ ये भीम है, इससे मैं लड़ लूंगा। भगवान ने कहा, चलो भीम से लड़ लो, आप मेरे अतिथि बनो, रोज हमारे साथ खाना खाओ, सवेरे होकर के कुश्ती लड़ेंगे, जो जीते वो सही। दो रोज युद्ध होता है, महीनों बीतीत हो गए। एक दिन भीम ने कहा, महाराज सारे प्रयास कर दिए, ये नहीं मरता है,
श्री कृष्ण भगवान ने कहा मेरी तरफ देख लेना, लड़ते लड़ते हो जाएगा काम। भगवान दांतों करते करते पहुंच गए बमूल की कीकर की दांतों लेकर के, और युद्ध भूमि में अखाड़ा चल रहा था। भगवान ने दांतों ने ऐसे तोड़ी और ऐसे फेंक दी। भीम दादा समझ गए, भीम ने टांग पे टांग रखी और दो हिस्से करके फेंक दिए चीर के, लेकिन हा हा ही करता हुआ और वो फिर से मिल गया। बार बार मरने पर, बार बार चिन्हने पर फिर जुड़ जाता। अब तो जरासंध को निर्भय हो गया, मेरे को कोई नहीं मार सकता। लेकिन भीम दादा घबरा गए। भीम दादा कहते हैं अब तो भाग चलो, ये नहीं मरेगा, दो टुकड़े करने पर भी नहीं मरता है। भगवान कहने लगे कल भी मेरी तरफ देख लेना। दूसरे दिन फिर भगवान, फिर युद्ध हुआ, फिर भगवान पहुंच गए और भगवान ने अब की बार दांतों ने ऐसे चीर के ऐसे फेंक दिए। जब ऐसे फेंकी तो फिर वो टुकड़े जुड़े नहीं और खटका मिट गया जरासंध का। उसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी दे करके उसको अधीन अपने करके इंद्रप्रस्थ लौट आए। वहां पर राजसु यज्ञ हुआ। राजसु यज्ञ में अत्र पूजा के ऊपर चर्चा हुई। सबने एक मत से कहा कि जहां श्री कृष्ण भगवान विद्यमान है वहां किसी दूसरे की अग्र पूजा होना कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस बात को शिष्यपाल ने स्वीकार नहीं किया। चेदी नरेश शिष्यपाल ने स्वीकार नहीं किया। भगवान को गाली देना शुरू किया। भगवान गाली उंगलियों पर गिनते गए। जब 100 गाली हो गई तो भगवान ने कहा ओ भैया तू मेरी भुआ का बेटा है, मैंने भुआ को आश्वासन दिया है 100 गालियां तक तेरे को माफ करूंगा, 101 में गाली देगा तो मार डालूंगा। और 101 में गाली भी शिष्यपाल ने दे दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका भी खटका मीटा। शिष्यपाल का वध करके भगवान ने राजसु यज्ञ संपन्न किया, जिसमें क्या किया भगवान ने, अतिथियों के पैर धोना। लोग कहते हैं हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान ने राजसु यज्ञ में क्या किया है आप जानते हैं, अतिथियों की पैर धोए। जो लोग अतिथि बन के आते थे उनके पैर धोना और झूठी पत्तल हटाना भगवान ने अपने हाथ से किया। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कियो, तामे झूठे उठाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर के में भगवान ने झूठी पत्तल उठाई और प्रभु ने दुनिया को बताया बड़ा कोई होता है तो इन बातों से नहीं होता, जिसमें जितनी ज्यादा नम्रता होती है वही इंसान संसार में बड़ा माना जाता है। इसके बाद प्रभु ने साल्व का उद्धार किया। साल्वा का उद्धार करने के बाद प्रभु दंत वक्र विदुरधर का उद्धार किया। बलराम जी तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे, सूत जी बैठे थे 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे। बलराम जी पहुंचे, सबने ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के बलराम जी को भगवान समझ के प्रणाम किया। सूत जी ने प्रणाम नहीं किया। भगवान ने हल से उसी का राधे राधे कर दी। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आपने ये क्या कर दिया, अरे ज्ञान देने वाला ज्ञानी मार दिया, अब हमको ज्ञान कौन देगा कि लाओ उसके बेटे को लाओ, बेटा भी उसी का रूप होता है। उसको आशीर्वाद दिया, गद्दी पर बिठाया और उसी को सूत की जगह प्रवाह धारा उमड़ पड़ी। सारे शास्त्रों की कथा, वेदों पुराणों की कथा और उसके मन में बिना पढ़ाई आ गई। इस प्रकार बलराम जी महाराज ने डिसिप्लिन का ध्यान करते हुए कि भाई ऋषियों मुनियों के मध्य में ये बैठा हुआ अहंकारी हो गया है, तो भगवान फिर तीर्थ यात्रा पर निकल गए बलराम जी। अब आइए हमारी बहुत ही मार्मिक जो कथा है शास्त्रों की पुराणों की। आज के जो कथा है सारा निचोड़ है। लास्ट में हम अनुक्रमिका सुनाएंगे। अनुक्रमिका में सारी भागवत A to Z जितनी हुई है अब तक वो सारा का सारांश भी अंत में जाके आपको श्रवण कराएंगे, वो भी सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए
सावधानी से सुनिएगा आज की कथा को, मन लगा करके सुनिएगा। कृष्ण यस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो वेदवित्तमः विरक्तेन्द्रियातेषु प्रशांता जितेन्द्रिय। कितने अच्छे संबोधन किए गए हैं सुदामा जी के लिए। कैसे क्या किया है, कृष्णस्य आसीद सखा कश्चित्, कोई मित्र था किसका, भगवान श्री कृष्ण का। कैसा था कि ब्राह्मणो वेद वित्तमा, वो ब्राह्मण था और वेदों को जानने वाला था, शास्त्रों को जानने वाला था। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण दीन था, लोग कहते हैं ब्राह्मण दरिद्री था। अरे दरिद्री की परिभाषा क्या है आप लोग जानते नहीं है। दरिद्री कौन होता है, तुलसी सब जग निर्धना, तुलसी सब जग निर्धना और धन बनता नहीं कोई, ओ धन बनता सोई जानिए, धन बनता सोई जानिए, जप राम नाम धन हो। कृष्ण से सकाशीन कश्चित ब्राह्मणो वेद वित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांता जितेन्द्रियः। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, जो विरक्त है, किसी में आसक्त नहीं है, विरक्त है और प्रसन्न आत्मा, बड़ा प्रसन्न चित्त है। एक दिन उसकी घरवाली कहती है, अरे पतिदेव आप कहते हैं कि हमारे सखा श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण सखा है, तो प्रभु दरिद्रता काहे की है, हम दरिद्रता क्यों भोग रहे हैं, हम गरीबी क्यों भोग रहे हैं। आप द्वारका चले जाइए, आप द्वारका चले जाइए। तम पेय महाभाग साधु नाम च परायणा दाशत्य द्रवणम भूल शीदंती कुटुंबिना। वो ऐसी कोई कृपा कर देंगे, बड़े बड़े कुटुंबों को पाल रहे हैं, हमारे भी कुटुंब की पालना करेंगे, इसलिए हे प्रभु आप चले जाइए। लेकिन रोज रोज कहती हैं, तो सुदामा जी कह रहे हैं एक दिन अपनी पत्नी से, क्या कह रहे हैं कि द्वारिका जाहुजु द्वारिका जाहुजु आठहु याम यही हट तेरे। रोज कहती है द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। अरे कैसे चला जाऊं, द्वारिका जाहुजु द्वारिका जाहुजु आठहु याम यही हट तेरे। पांच सुपाड़ी घर में नहीं और भेंट कुचारे न चामर मेरे। रोजाना कहती है द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, चले जाओ, मेरे घर में पांच सुपाड़ी नहीं है, मेरे घर में चार चावल के दाने भगवान को भेंट करने के लिए ले गए नहीं है। भगवान के दरबार में जाए तो खाली हाथ थोड़े ही जाया जाता है, किसी जाऊं मैं। सुशीला कहती है प्रभु चावल का इंतजाम मैं करती हूं, जाने की तैयारी आप करिए। एक तरफ तो संकोच हो रहा है कि मेरी दरिद्रता पर भगवान हंसेंगे, और एक तरफ खुशी हो रही है कि प्रभु के दर्शन का लाभ मिलेगा। दो बातें हैं यहां पर सुदामा के अंदर चल रही हैं। आखिरकार सुदामा तैयार हो गए, शरीर दुर्बल है, कई दिन से अन्न नहीं खाया, दस घरों से दस प्रकार के चावल लेकर के सुशीला एक पोटली में बांध के
और अर्पण कर दिया है पति देव को, लो ये भेंट ले जाओ मेरी तरफ से देवर के लिए। सुदामा जी चल देते हैं, पैरों में जूती नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, हरि नाम जिह्वा पर है, जिभ्या पर है, गाते हुए चले जा रहे हैं भगवान का प्रभु का संकीर्तन। द्वारिकापुरी बड़ी दूर है, सुदामापुरी काफी दूर है, सुदामापुरी और द्वारिकापुरी का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन कैसे रास्ता सुलभ होता है, आइए कीर्तन करते हुए भगवान का द्वारिकापुरी में प्रवेश कराते हैं सुदामा जी को। बोलवा के बिहारी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज किस प्रकार से और कन्हैया को याद कर रहे हैं, और हम भी और आप भी कन्हैया को याद करेंगे। श्री राम जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती है।
तुमको दिखाते हैं भगत की आँख में आँसू भगत की आँख में आँसू नमोहन देख पाते हैं तेरी भगवान की। जैसे ही द्वारकापुरी में प्रवेश तो तब किया भगवान ने अपनी योग माया को कहा देवी मेरा भक्त चला है रास्ते में ही मर जाएगा चलते चलते बड़ी दूर है आप जाइए और उसको सोते हुए को उठा करके मेरे दरवाजे पर सुला दीजिए। सुदामा जब जागते हैं तो सोने की नगरी देखते हैं देखत स्वर्णमयी दीख चकाचौंध गई आंखों में चकाचौंध फैल गई। पूछा भैया ये कौन सा नगर है? किसी ने कहा महाराज जी ये श्री कृष्ण भगवान की नगरी है। राजा अधिराज महाराज श्री कृष्ण भगवान यहां विराजमान है। ये द्वारिकापुरी है प्रभु आपको किसने मिलना है? सुदामा जी कहते हैं भैया हमने कन्हैया से मिलना है वो हमारे मित्र हैं। द्वारपाल कहते हैं प्रभु उनके दरबार में ब्राह्मणों के लिए हमेशा छूट है कभी जाइए कभी मिलिए कोई बात नहीं है। मैं अभी संदेश आपका लगा देता हूं। मुझे बड़ा अजूब लगता है जब लोग दो सेल वाले बाहर खड़े करके सुदामा को धक्का देते हैं। क्या भगवान के दरबार में ब्राह्मणों को धक्का कभी मिले? एक बार डंडा लगा करके रोका जय और विजय ने तीन जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। रुचिता लाने के लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं। भगवान सुदामा जी से मिले बिठाया राजी खुशी पूछी भगवान ने। भगवान ने पूछा भैया तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा जी कहने लगे हां भैया हो गया।
तो तुमने विवाह में नहीं बुलाया कि भैया हम नहीं बुला पाए। श्री कृष्ण भगवान से जब सुदामा जी ने पूछा तुम्हारा विवाह हो गया कि हाँ हो गया, अभी आती है, कितनी है कि 16,108। सुदामा जी कहने लगे मैंने एक विवाह में नहीं बुलाया तो नहीं आ, कोई बात नहीं, लेकिन तूने तो मुझे 16,108 विवाह में नहीं मिलाया। भगवान कहने लगे भैया बातें बाद में करेंगे, पहले आपकी शरण धोते हैं, आप बैठिए। तो भगवान शरण धोने के लिए पानी मांगते हैं रुक्मणी से, हे रुक्मणी चल ले के आओ, घर में ब्राह्मण देवता पधारे हैं, इनकी चरण धोने हैं। रुक्मणी चरण के लिए जल लेने के लिए गई है, और भगवान ने सुदामा के हाल जब चरणों के देखे हैं तो क्या होता है, भगवान रोने लग पड़े और कहने लगे ऐसे बिहाल, ऐसे बिहाल बिमाइनी के पग कण तक जाल परे जुग जोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसे बिहाल बिमाइनी के हो पग कंटक जाल परे जुग जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा हो करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सो पग धोए। परात में जो पानी रुक्मिणी ने दिया था रखा रह गया, आंसुओं से भगवान की ऐसी अश्रु धारा बगी कि जिससे चरण सुदामा जी के अपने आप ही धुल गए। बातें होने लगी, श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कछु भाभी हमको दियो, हो कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। अरे भैया सुदामा हमारे लिए भाभी ने कुछ जरूर भेजा होगा, वो आप हमको क्यों नहीं देते हो। सुदामा कहता है अरे भैया हमारे घर में कुछ है ही नहीं, लेके क्या आता, कुछ भी नहीं है, आपको तो पता है, आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं आप, घट घट बासी हैं प्रभु। भगवान कहते हैं मैं घट घट बासी हूँ अंतर्यामी हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते। अरे चापी कोटरी कांख में तुम राखी है के हेतु, ये पोटली तुमने कांख में जो दुबा का छुपाका के रखी है ये किस लिए रखी है। भगवान ने पोटली खींच ली और खींच करके भगवान कहते हैं सुदामा से कि आगे चला गुरु मत दिए ते लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। याद करो जब संदीपन गुरु के या हम तुम दोनों ही पढ़ने के लिए जाते थे तो क्या हुआ था सुदामा कि एक दिन हमारी तुम्हारी बाती आ गई संविधान लेने के लिए, कुशा लेने के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए, हमारा आप दोनों गए। माताजी ने तुमको बुलाया और कहा सुदामा जंगल में भूख लगेगी
और भूख लगे तो ये गुड़ चना ले जाओ, ये खा लेना, तुम तो दे दिए। हम तुम दोनों गए जंगल में, मैं पेड़ पर ऊपर चढ़ गया और तू पेड़ के नीचे था, लकड़ी समेटता जा रहा था। उसी समय बड़े जोर की आंधी आई, बड़े जोर का बरसा हुई, बरसा में तू नीचे बैठा रहा, मैं ऊपर बैठा रहा, और तू पेड़ की आड़ में बैठ करके माता के दिए हुए चना अकेला ही कुटकता रहा, अकेला ही खाता रहा। आगे चना गुरु मात दिए, तेल ए तुम चावी हमें नहीं दीने, श्याम कही मुस्काए सुधामा सो, चोरी की बानी में हो जु प्रभीने। तुम बड़े चतुर हो चोरी में, तुमने पहले चना चबा लिए, धरित्री बन गए मेरे हिस्से के चना खा करके, अब भी क्या बनना चाहते हो, ये पोटली हमको दो। पोटली भगवान ने हाथ में ले ली, एक भक्का लगाया, कोई बात नहीं रुक्मिणी देख रही है, दूसरा भसक्का लगाया, रुक्मिणी फिर भी देख रही है, घूर रही है। जब तीसरा भसक्का लगाने लगा तो हाथ गयो कमला प्रभु को, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का और कहा, हाथ गयो कमला प्रभु को, हे नाथ का बास की आस बिसारी। कहां रहेंगे जाकर के? हाथ गयो कमला प्रभु को, हे नाथ का बास की आस बिसारी, कहां रहोगे? रंग कहीं आप समान कियो, प्रभु चाहत आपका होन भिकारी, रंग कहीं आप समान कियो, प्रभु चाहत आपका होन भिकारी। एक गरीब को अपने से भी ज्यादा धन दे दिया, क्या भिकारी होना चाहते हो? तीनों लोग दे करके दो लोग का मालिक तो इसको बना दिया। भगवान ने बड़े प्यार से उस चंदनों चावलों का अवलोकन किया, चावलों में स्पष्ट लिखा था, चावलों में एक संदेश छुपा था, क्या छुपा था सुनिए। सुधामा चरित्र तो बहुत सुनते होंगे आप लोग, लेकिन इन कथाओं को सुनाने वाले वक्ता नहीं रहे हैं, अब तो बस राधे राधे ही होती है। वहां के बिहारी लाल की बोल दो, कंजूसी मत करो, बांके बिहारी लाल की। चावलों में स्पष्ट लिखा था कि देवरी को मास में, हे देवर जी एक महीने में कितनी एकादशी होती है? दो होती है ना, एक आज है, एक 15 दिन बाद आएगी, अजा है पद्मा आएगी। एक महीने में कितनी एकादशी होती है? दो। देवरी को मास में दो एकादश होए, पर देवर मेरे घर में नित्य एकादश होए। मेरे घर में तो रोजाना ही एकादशी होती है, क्योंकि ना भोजन होता है ना बच्चे और हम खा पाते हैं। भगवान समझ गए और भगवान ने चिट्ठी लिख दी, भाभी होनी है तो है गई। भगवान कह रहे, हे भाभी जो होनहार थी वो तो हो गई, भाभी होनी हो तो हो गई, अब नहीं ऐसी होए। हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अब तेरे घर में एकादशी नहीं होगी, अब क्या होगी? द्वादशी होगी, रोजाना खीर पूड़े बनेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने सुदामा को बहुत सुंदर ऐश्वर्य प्रदान किया। सुदामा विदा मांगते हैं, भगवान कहते हैं और रुक जा भैया,
और रुक जा भैया। एक दिन कहा भैया मैं तेरी भाभी सुशीला को ऐसी परिस्थिति में छोड़ के आया हूं, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता मेरे भाई, बस मुझे जाने दे, न जाने कैसे बच्चों को पाल रही होगी, न जाने क्या हाल होगा उसका, मुझे जाने दे मेरे भाई। भगवान ने कहा ठीक है, ये आपके कपड़े जिनको पहन के आए थे वो पहन लीजिए। कपड़े पहना करके विदा कर दिया। सुदामा जी निष्प्रय जो हैं चले गए, लेकिन जहां पर उनकी कुटिया पड़ी थी वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं और सोचने लगे, क्या सोचते हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती जाई ठोर। एक मेरी टूटी सी झोंपड़ी यहां पर पड़ी थी। सुदामा की पत्नी सुशीला को पता लगा पति देव आ गए हैं, सोने के थाल में सुंदर दीवा चौमुखा सजा करके, फूलों का सुंदर हार लेकर के, सखियों के मध्य में सोना चांदी हीरे जवाहरात पहने हुए, चमकती सी साड़ी पहन करके गेट पर स्वागत करने के लिए आती है और कहती है आ जाओ पतिदेव, यही तुम्हारा घर है। सुदामा कहता है नहीं 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 नहीं, टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती जाई ठोर, और तामे दुख काटे यहां काहे मधामरी। ये सोने के भवन कहां से आ गए, ये सोने के भवन कहां से आ गए, मेरी तो टूटी सी झोंपड़ी थी उसमें दुख काटती थी मेरी पत्नी सुशीला। टूटी सी मड़ैया मेरी पति होती जाई ठोर, तामे दुख काटे यहां काहे मधामरी। अरे जेवर जराओ तुम साजे सब अंग अंग, सखी सोहे संग वो तो छूची होती छामरी। तुम्हारे अंग अंग पर सोने के गहने लदे हुए हैं, मेरी सुशीला तो अकेली रहती थी, फटी हुई धोती थी उसकी। नहीं 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 नहीं, तू मेरी सुशीला नहीं है। सुशीला कहती है पतिदेव आप उधर गए, भगवान ने विश्वकर्मा को यहां भेजा, ये सुदामापुरी रच करके तैयार कर दी, ये सोने के महल बना दिए, आइए आनंद लीजिए। सुदामा की निष्प्रयता देखिए, सुदामा कहते हैं तुझे ऐश्वर्य चाहिए था, तुझे ऐश्वर्य मिल गया, लेकिन मुझे भगवान चाहिए, इसलिए मैं भगवान पाने के लिए जाता हूं। सुदामा, एक कवि तो कहता है सुदामा कंचन देख डरे, सोने को देख करके डर रहे हैं सुदामा, लेकिन अंदर से आवाज आई अरे सुदामा आजा, मैं यहीं तो बैठा हूं, मैं कहीं और नहीं, क्योंकि जहां तू है वहां मैं हूं, मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाता। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी टूटी सी जुफड़िया, कंचन में है बिगड़ी। सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी कपिला सी गईया, यहां गजराज खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा लौट के आए जहां परमात्मा वा सुदामा, तो ये भगवान के अनुग्रह की कथा
दीनों के दयालु भगवान, दीनों पर कृपा करने वाले ब्राह्मणों के वत्सल। किसी ने पूछा, परमात्मा आप इतना प्रेम ब्राह्मणों से क्यों करते हैं? तो भगवान ने सुंदर बात बताई। क्या बताई? कि मंगल मूल चाहते हैं तो ब्राह्मणों को खुश कर लो, मंगल मूल विप्र परितोषु और दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु। अगर ब्राह्मण कुपित हो जाए तो कि करोड़ों कुल नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मणों को खुश करना ही मंगल की जड़ है। मंगल की जड़ अगर कहीं है, मंगल की कहीं नीम कहीं है, मंगल का कहीं अगर मूल है, तो ब्राह्मण को खुश कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से खुश किया। एक बार क्या हुआ, मौका मिला बिछड़े हुए ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण से मिलने का। वो कैसे मिला कि एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा। सूर्य ग्रहण का उत्सव होता है कुरुक्षेत्र में, आप सभी जानते हैं। स्नान करने के लिए भगवान पधारे, सभी ब्रजवासी भी पहुंच गए। वहां पर मेल हुआ, सभी बड़े खुश हुए। भगवान श्री कृष्ण ने मैया जसोदा की चरणों में बार बार प्रणाम किया, नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। आपस में मिले, बेटा मिलाया, पोता मिलाया, बहुएं मिलाई, सब खुश हुए। राधा रानी जी भी मिली, लेकिन भगवान की जो पटरानियां थी राधा रानी से सौत दाह करने लगी। एक दिन क्या किया, सभी ने मिलकर के गरम गरम दूध खोलता हुआ राधा रानी को जाकर के दे दिया और कहा, राधा रानी प्रभु ने चरणामृत भेजा है, आप इसको पान कर लीजिए। राधा रानी ने पी लिया। शाम को भगवान श्री कृष्ण की जब चरण दबा रही थी रानियां, तो क्या देखती हैं कि भगवान के चरणों में फपोले पड़े हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं। रानियां कहती हैं, प्रभु कहीं पैदल चले नहीं, आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? भगवान ने कहा, सब तुम्हारी करतूत है। अरे हमारी करतूत कैसे? कि तुमने राधा रानी को गर्म दूध पिलाया, राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का वास है, इसलिए मेरे चरणों में फफोले पड़ गए। ऐसा स्नेह राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का। एक बार बोलो जोर से, राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। एक बार वसुदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश अपने संतान को, पुत्रों को दिया। मैया देवकी ने कहा श्री कृष्ण भगवान से, प्रभु मैंने सुना है आपने गुरु माता के मरे हुए पुत्र को ला करके प्रदान कर दिया था, मेरे भी 6 पुत्र मर गए हैं, कृपा कर दो मेरे भी 6 पुत्रों को ला के दो। तो भगवान ने अपने छोटे भाई 6 पुत्र जो मर गए थे, कंस ने मारे थे, वो भी ला करके भगवान ने दे दिए। मैया देव की बड़ी प्रसन्न हुई पुत्रों को पा करके। वेदों ने भगवान की स्तुति गाई जो बहुत ही सराहनीय है। परमात्मा की कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। शंकर भगवान भोले भंडारी ने शकट भंजन किया, त्रिपुर भंजन किया। एक बार सभी देवताओं ने ये मन के में विचार किया कि ये देवता 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव।
लेकिन पता नहीं लगता इनमें बड़ा कौन है। तो एक एक करके सबसे कहा गया कि इनकी परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। कोई तैयार नहीं हुआ। तो भृगु जी ने कहा चलो हम लेंगे परीक्षा। भृगु जी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहले भोले बाबा के पास जाते हैं। भोले बाबा से कहते हैं बाबा सांप लटकाए हुए हैं, कांचर खान खजूरा कानों में लटकाए हुए हैं, भस्म रमाए हुए हैं। अरे भूतों के साथ में रहता है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। दो चार ऐसी बात कही भोले बाबा ने, उठा लिया त्रिशूल। ब्राह्मण है इसलिए बख्श दिया, नहीं तो मार देता। भृगु जी ने कहा ठीक है, इसीलिए तो आया था। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी ऐसी बात की, शेर बना देते हो, गाय बना देते हो, शेर गाय गाय को खा जाता है, ऐसे जीव बनाते हो, बुद्धि खराब हो गई है। उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र उठा लिया। फिर परमात्मा भगवान नारायण के पास पहुंचे, बहुत बुरा भला बोले, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे। लक्ष्मी जी गुस्सा होती रही, आखिरकार छाती में जाके लात मारी। भगवान खड़े हो गए शेषनाग की सैया से, शरण सहलाने लगे प्रभु जी का। हे प्रभु जी महाराज, ब्राह्मण देवता तुम्हारे चरण अति कोमल हैं और मेरा ये हृदय कठोर है, कहीं इस कठोर हृदय से आपके चरण को चोट तो नहीं लग गई। धन्य है, बड़ाई ऐसे होती है, वो काम करना जो शंकर भगवान ने किया, जो ब्रह्मा जी ने किया, नारायण भी जानते थे। लक्ष्मी कुपित हो गई। लक्ष्मी प्रभु जी से कहती हैं, अरे तूने निर्दोष पति को लात मारी, मैं तुझे श्राप देती हूं, मैं ब्राह्मणों के घर नहीं आऊंगी। भृगु जी कहने लगे हम तेरे को चाहते भी नहीं, हम तो भगवान को चाहते हैं। अब भगवान हमारे घर आएंगे तो तुझे तो आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान की त्रिदेव परीक्षा का मैंने प्रसंग आपको श्रवण कराया। बात आगे चलती है, बड़ी सुंदर कथा आती है, मैं सुनाऊं आपको। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु धारण किए और 24 गुणों में पृथ्वी को धारण किया। जिस पृथ्वी पर हम बाथरूम करते हैं, लैट्रिन करते हैं, पैर रखते हैं, खोदते हैं, काटते हैं, लेकिन मैया पृथ्वी हमेशा क्षमा करती है हमको। कबूतर को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया। एक अत्यंत प्रसंग सुनाते हैं सुंदर आपको। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भोले बाबा कावड़ संघ के सभी मेंबरों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज अखीरला दिन है, तुम्हारी सेवा की बड़ाई करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो आपने सेवा करके इस लंगर को चार चांद लगाए हैं, उसके निमित्त मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं आप सभी की। धन्य है वो शहर जिसमें ऐसे त्यागी कर्मठ और कार्य कुशल इंसान निवास करते हैं। एक बार कोई संत जा रहे थे तो आगे कोई लोग मस्ती में झूम रहे, वेश्या को नचा रहे थे। लोगों ने कहा बाबा जी इधर मत जाओ। कहने लगे क्यों? कि इधर वेश्या को नचा रहे हैं लोग। बाबा जी कहने लगे हमारे पर क्या फर्क पड़ेगा भैया, हम तो वहां से भी शिक्षा ले लेंगे। बाबा जी चले गए, लोग आगे पहुंच गए। जब उस जगह से गुजर के आगे पहुंचे बाबा जी, तो संतों से पूछा अब बताओ तुमने वहां से क्या शिक्षा ली है? जहां वेश्या नाच रही थी, लोग नचा रहे थे, वहां से तुमने क्या शिक्षा ली है? ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बात है। बाबा जी कहते हैं सुनो, हरि की कथा न रुचे तिनको,
जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती वो क्या कर रहे हैं, हरि की कथा न रुचे तिनको लेकर के नारी नचावत है। वो एक स्त्री ले आए हैं और उसको नचा रहे हैं। हरि की कथा न रुचे तिनको लेकर के नारी नचावत है। समझ में आ रही है ना, जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती वो नारी ले आए हैं और उसको नचा रहे हैं। फिर बाबा शिक्षा क्या मिली, कि शिक्षा ये मिली कि तबला कहे, तबला बज रहा है ना, क्या कह रहा है, तबला कहे धिक है धिक है, क्या कह रहा है तबला, क्या कह रहा है, धिक है धिक है, धिक्कार है धिक्कार है। तो मजीरा बज रहा है, वो कह रहा है तबला कहे धिक है धिक है, तो मजीरा कहे किनको किनको, तबला कहे धिक है धिक है, तो मजीरा कहे किनको किनको। मजीरा कह रहा है अरे किसको धिक्कार है किसको धिक्कार है। तो वो नाचने वाली नार कह रही है, क्या कह रही है, हरि की कथा न रुचे तिनको लेकर के नारी नचावत है। तबला कहे धिक है धिक है, तो मजीरा कहे किनको किनको, तब हाथ उठाई के नारी कहे इनको 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 इनको, तब हाथ उठाई के नारी कहे इनको 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 इनको। इन लोगों को धिक्कार है, किनको, जो उनके सामने बैठे थे। इसलिए वहां से भी हमने शिक्षा ले ली। तो ज्ञानी इंसान जहां मर्जी जाए वहीं से ज्ञान धारण कर लेता है। 24 अवतार धारण किए श्री भगवान के साक्षात अवतार दत्तात्रेय जी महाराज ने। इसके बाद परम पावन कथन आता है भगवान की लीला में सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा बड़ी विचित्र है, वो कथा हम बाद में सुनाएंगे। हमारे प्यारे प्यारे कावड़ियों भोले बाबा के मेंबर, इनका स्वागत किया जाए।